हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ प्रसार भारती को लेकर। प्रसार भारती ई ऑक्शन पर ई ऑक्शन तो करता जा रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर को कैसे लेकर आना है अभी तक भी प्रसार भारती को नहीं आया। देखिए, प्रसार भारती की जो MPG 2 ई ऑक्शन थी 21 नवंबर को हुई थी, शुरू हुई थी, और 26 नवंबर तक भी व्यूवर्स वेट कर रहे थे कि रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद भी बहुत से व्यूवर्स के कमेंट थे कि आज रात 27 नवंबर लगते ही यहाँ पर कुछ नए चैनल ऐड होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी MPG 2 में जो 5 स्लॉट खाली हैं वो खाली के खाली ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब MPG 2 की जो ई ऑक्शन है, 83rd जो ई ऑक्शन थी, वो भी अनसक्सेसफुल रही। यहाँ पर भी कोई भी ब्रॉडकास्टर किसी भी चैनल को प्रसार भारती लेकर नहीं आ सका अपने DTH प्लेटफॉर्म पर। अभी बात करते हैं, आज है 27 नवंबर और आज एक और ई ऑक्शन शुरू होने जा रही है जो कि है MPG 4 के लिए। MPG 4 में भी वही 3 से 4 स्लॉट खाली हैं। आज ई ऑक्शन शुरू होगी। कोई ब्रॉडकास्टर यहाँ पर आना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, स्लॉट जीतना चाहता है, तो वो जीत सकता है। और जो भी जीतेगा तो वो 3 दिसंबर को DD फ्रिज पर ऐड कर दिया जाएगा। बाकी MPG 4 में ब्रॉडकास्टर के पास काफ़ी कम प्राइस है भाई ऐड होने के लिए, जबकि MPG 2 में मैं आप लोगों से बात करूंगा जो मेन रीज़न है किसी भी ब्रॉडकास्टर के ना आने का, वो प्राइजेज ही हैं। क्योंकि पहले भी भाई बहुत से ब्रॉडकास्टर जो है प्राइजेज को लेकर ही बात कर चुके हैं, क्योंकि प्रसार भारती की जो बिड प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी वजह से वो DD फ्रिज पर नहीं आना चाहते हैं। बाकी जो ये अभी मान लीजिए लगभग 4 से 5 बार ई ऑक्शन हो चुकी है भाई एनुअल के बाद भी, है ना, जो प्रोरेट बेसिस पर होती हैं ये, उसके बाद भी जो प्राइजेज हैं वो कम नहीं हुए हैं प्रसार भारती के। क्यों नहीं हुए हैं ये मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्राइजेस एनुअल के हिसाब से रखे जाते हैं, जैसे कि पिछले साल फरवरी 2024 में जो प्राइजेस रखे गए थे, तो उसी हिसाब से ही अभी इनको प्राइजेस रखना होगा भाई। उस हिसाब से ज़्यादा डाउन वैल्यू नहीं कर सकते, उसी हिसाब से मतलब जो मंथ्स कम होते जाएंगे उसी हिसाब से उनके प्राइस कम होते जाएंगे थोड़े थोड़े। मतलब जो भी मंथली जो उनका है भाई क्राइटेरिया, वही सिर्फ कम होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि काफ़ी कम जो है प्राइस कर दिए जाएंगे। अगर प्रसार भारती को प्राइजेस कम करने होंगे तो जो अभी आने वाली 2025 में ई ऑक्शन होगी फरवरी में, वहाँ पर प्रसार भारती सोच सकता है कि प्राइजेस यहाँ पर थोड़े कम किए जाएँ MPG 2 में स्लॉट लेने के लिए किसी भी प्राइवेट चैनल को। बाकी अभी जितनी भी ई ऑक्शन गई हैं उनमें प्रसार भारती कोई भी प्राइस कम नहीं कर सकता। जो एनुअल के हिसाब से प्राइस रखे गए हैं उसी हिसाब से कम करने होंगे। बाकी MPG 2 की ई ऑक्शन आज से स्टार्ट है, देखते हैं भाई। पहले भी एक MPG 2 की ई ऑक्शन हुई थी बीच में ही, उसमें एक स्लॉट जरूर जीत पाया था, उसके बाद तो किसी ने यहाँ पर ना ही MPG 2 में ना ही MPG 4 में। बाकी देखते हैं, अगर कोई चैनल आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मेरे हिसाब से तो वेट कीजिए एनुअल ई ऑक्शन का ही। आप लोगों को एनुअल में ही जो है सही तरीके से चैनल देखने को मिलेंगे, सही तरीके जो स्लॉट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अपडेट ही थी दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर, धन्यवाद।